क्योंकि हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब को एक साथ बहती है, हमारे देश को कागज की वो खूबसूरती है। अगर एक ही तरीके का सब कुछ दिखेगा और कुछ अलग अलग दिखेगा तो अच्छा लगेगा। इसी तरह हमारे देश में मौसम गुजरा कुछ नया नया आता है ना, इसी तरह हमारे गवर्नमेंट का पेट खराब हो जाता है। उनको कायम तुरंत चाहिए बात 25 में लिखा हुआ है, हर कोई अपने मौसम को फॉलो कर सकता है। उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया, देश के पास उन्होंने उठकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और जिसके बिना पर हमारी ये बहन ने एक नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा देकर आगे बढ़ी और उन बेड़ियों को बात देते हुए वो कॉलेज में दाखिल हुई। उसी जीवन में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहरों में तमाम अल्हम्दुलिल्लाह उसी तर्ज पर हमारे शहर नांदेड़ में भी इस मुद्दे पर यहाँ पर एहतजाज रखा गया है। कर्नाटक में हमारे जो स्टूडेंट से परेशान किया जा रहा है एजुकेशन के मामले में, हमको आगे बढ़ा ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई, हमारे भी तो राइट्स है। हिजाब में जितने हम प्रोटेक्ट है ना उसमें कहीं भी नहीं है। देखो हिजाब इज आवर प्राइड एंड इज प्रोटेक्टिंग अस। बुलेट प्रूफ जैकेट को कोई ज़रूरत नहीं है हमें, यही हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट है। और इसे है ना एक पॉलिटिकल इशू मत बनाइए बुरखे को लेकर, ये हमारा हक है। और इस्लाम में जब से आया है ना तब से बुरखे की बुनियाद है और हम इस पर खुश है भाई। क्यों गलत क्यों समझ रहे हैं आप? और हमको हक नहीं है क्या हम नहीं पढ़ सकते? तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट अवर रिक्वेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वीजा। मतलब है कर्नाटक में जो सरकार हमारे विरोध में जो हमें हिजाब के लिए रोक रही है, ये कोई हक नहीं है जो हमारा हिजाब हमसे छीने। और ये हमारा राइट है, हमारा इस्लाम है, इनको कोई हक नहीं बनता जो हमारा हिजाब ले लिए। और हम मजलिस एहतियादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज कलेक्टर साहब के ऑफिस से निवेदन दिए हैं कि हम यही कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री साहब तक हमारा ये मैसेज जाए और जो भी है हमारे हक में फैसला हो। और हमारे मजहब के खिलाफ हम कोई भी कौन सी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत उनके लिए बर्दाश्त किया है, अपनी कोरोना कोविड बोलते बोलते हमारे पूरे ईदा बराता सब हमारे से ये कर लिए उन्होंने। और मस्जिद में जो भी है ताले लगवा दिए, अजान को पाबंदी, हर चीज़ को पाबंदी। और हमारे इस्लाम में ट्रिपल तलाक भी लाए, लेकिन अब हमारी हिजाब को लेकर हम पे और कोई और ये ना करे, वरना हम पूरी महिलाएँ रोड पर उतर आएंगी और धरने आंदोलन पर बैठ जाएंगी। शहर उत्तर अध्यक्ष हिमायत।